प्रदेश में 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत पहले दिन 12 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश के सभी बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए 20 जनवरी तक का लक्ष्य रखा गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ करते हुए बच्चों से पूछा कि टीके से डर तो नहीं लग रहा है, जिस पर सभी बच्चों ने हाथ उठाकर कहा कि वे वैक्सीनेशन से नहीं डरते हैं। इसके बाद सीएम शिवराज ने बच्चों से कहा कि वे दूसरे बच्चों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। 15 साल से ज्यादा उम्र के कौन कौन है हाथ उठाओ? सभी है। अच्छा ये बताओ, वैक्सीन से डर किस किस को लग रहा है? वो हाथ उठाओ जिसको डर लग रहा है। डर लग रहा है? तो डर किसी को नहीं लग रहा, बहादुर बच्चे हैं, कोई नहीं डर रहा और सब वैक्सीनेशन के लिए तैयार। एक बार ताली बजा के अपने प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत करें, उन्होंने वैक्सीन उपलब्ध करवाई है हमें। हमारे वैज्ञानिकों का भी स्वागत करें, भारत ने रिकॉर्ड समय में कोविड की वैक्सीन बनाई है। 140 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। पहले 18 साल से ऊपर की उम्र के जितने नौजवान थे, बुजुर्ग थे, युवा थे, उनको वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन आज से 15 से लेकर 18 साल के बेटा बेटियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन को लेकर स्कूलों में सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अमला भी अलर्ट नजर आ रहा है। देखिए अभी जैसा आप जानते हैं कि हम लोग 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन कर चुके हैं और लगभग 90 से 95% से भी अधिक नागरिकों को वैक्सीन के दोनों डोजेज लग चुके हैं। सरकार के निर्देश के अनुसार आज 3 जनवरी से हम 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन प्रारंभ कर रहे हैं और इस वैक्सीनेशन में जो है इसको बच्चों की सुविधा के लिए स्कूलों में ही हमने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हैं, जहां पर स्कूल के बच्चे अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे इस उम्र के सभी बच्चों का वैक्सीनेशन हो सके। हमारी उम्मीद है कि हम अगले 3 से 4 दिनों के भीतर भोपाल के 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का वैक्सीनेशन करवा लेंगे। इस वैक्सीनेशन के लिए हम कोवैक्सीन का उपयोग कर रहे हैं और जो बच्चे हैं 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के, उनके लिए हम कोवैक्सीन का उपयोग करेंगे, जो का शासन का निर्देश है। वहीं वैक्सीनेशन अभियान को लेकर बच्चे खासे उत्साहित नजर आए, जहां सभी ने बिना डरे वैक्सीन लगवाने की बात कही। मैं मानती हूँ अच्छा है इधर से अभियान शुरू किया है, जिससे हमें सबसे पहले वैक्सीन लग सके और हम सुरक्षित हो सके कोविड-19 से। हाँ, इससे हमारी स्कूल की पढ़ाई भी अच्छी चलेगी और हमारी पढ़ाई का बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। हाँ, स्कूल आके अच्छे से पढ़ाई हो सकेगी। ऑनलाइन क्लास में इतना अच्छा समझ में नहीं आता है, अगर हम स्कूल आके पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और हमारे एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं उसकी वजह से। गौरतलब है कि प्रदेश में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए पहले दिन का 12 लाख का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, भोपाल।